हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं होंडा सिटी ई एच ई वी के बारे में। ये होंडा की नई कार है, ई हाइब्रिड कार। जैसा कि आप जानते हैं कि होंडा बहुत ही अच्छी कार्स बनाने के लिए मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड ई वी व्हीकल है जो इंजन और बैटरी दोनों पे चलती है। अगर आप हाइब्रिड पे मोड पे चलाएंगे तो ये 27.13 लीटर की एवरेज देगी आपको। अगर आप बैटरी पे चलाएंगे तो अप्रोक्स 200 किलोमीटर या 126 किलोमीटर के आसपास कंपनी कहती है। और आप कंबाइन चलाएंगे तो वैसे भी चल जाएगी, सिंगल भी चलाएंगे तब भी चल जाएगी ये। तो ओवरऑल ये कार बहुत ही अच्छी है। मैं आपको इसका पूरा लुक दिखा देता हूँ। ये कार है, ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कार है ये। और स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर है इसका। और ये है होंडा सिटी ई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो बहुत ही शानदार कार है ये। इसका इंजन है, ये इसकी बैटरीज हैं और देख सकते हैं आप आईवीटेक इंजन है ये। इंटेलिजेंट पावर यूनिट इसमें दिया गया है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये व्हील्स हैं, ये ट्रैक्शन मोटर है, ये जनरेटर मोटर है, ये इंजन है, ये क्लच है। और जब आप इसको हाइब्रिड मोड पे डालेंगे तो कार में ट्रैक्शन मोटर से और इंजन दोनों से पावर लेगी वो, तब वो ड्राइव होगी। एंड आप अगर कल अकेले इंजन पे डाल देंगे तो सिर्फ इंजन, क्लच एंड व्हील्स में जाएगा, ट्रैक्शन मोटर और बैटरी वर्क नहीं करेंगे और जनरेटर मोटर वर्क नहीं करेंगे। आप उसे सिंगल पे भी चला सकते हैं। ये ईवी का है, अगर आपने सिर्फ लिथियम आयन बैटरी पे ही चलाना है इसको तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है। हम बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। लुक्स आप देख सकते हैं इसकी कैसी है। साइड से अलॉय व्हील दे रही है कंपनी। बैक भी अच्छा है, जेड शेप्ड इसमें लाइट्स हैं, एडवांस्ड है ये सारी। आपको ये लूनर सिल्वर कलर था, ब्लू कलर में भी दिखा देते हैं हम। ब्लू कलर में भी है, बहुत ही शानदार लग रही है। काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं इसमें। देख सकते हैं एलईडी लैंप्स है, 10 ईयर की एनी टाइम वारंटी दे रही है कंपनी। वाइड एंगल दे रही है सेंसिंग के लिए, अगर आपके आगे कोई कार चल रही है और अगर आपका मान लीजिए कोलिजन होने वाला है तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे या आपको वार्निंग आ जाएगी। साइड में भी इन्होंने कैमरा दिया है ताकि आपको अपने साइड लेन का पता लग सके, थोड़ा वाइड एंगल मिलेगा तो जब आप पार्क कर रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। बैटरी की वारंटी है 1,60,000 किलोमीटर। पार्किंग ब्रेक है इसमें। और आपका ये एडवांस लेडी लैंप है, इसमें भी फीचर दिया है कि जब आप हाईवे पे चल रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक लो हो जाएगी, ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। तो ये भी बहुत कमाल का फीचर है इसमें। ये ईवी मॉडल जैसे मैंने आपको बताया था, ये देख सकते हैं लाइव वर्किंग है, लिथियम आयन बैटरी, ट्रैक्शन मोटर, व्हील वर्क कर रहे हैं। और जब आप इसे हाइब्रिड पर डाल देंगे तो दोनों से पावर आएगी, तो इससे कार की एवरेज बढ़ जाएगी, लेस फ्यूल कंजम्पशन होगा, लेस CO2 प्रोड्यूस होगा। एंड इंजन ड्राइव पे आएंगे तो इसमें फिर आपकी एवरेज थोड़ी कम हो जाएगी, 12-15 पे आ जाएगी। इंजन, क्लच एंड व्हील्स ही वर्क करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। जैसे मैंने आपको बताया वाइड एंगल सेंसिंग, ये इसका काम होता है कि अगर आप पास में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको बता देगी, और अगर वो कार मूव हो गई है जैसे आप ट्रैफिक में खड़े हैं तब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कार आगे वाली मूव हो चुकी है। ये इसका हाई बीम लो बीम का फंक्शन है, ये का लो होगी, हाईवे पे बहुत काम करेगी। ऑटोमेटिक है ये सारा। ये आपका क्रूज़ कंट्रोल है, अगर आप दो लेन के बीच में चल रहे हैं तो 80-90 की स्पीड में एक ही कार में चलती रहेगी ये। और लेन कीपिंग सिस्टम है, आपको लेन में ही रखेगी। और ये आपका रोबोट डिपार्चर मॉडिफिकेशन सिस्टम है, आपको ऑडियो वीडियो दोनों अलर्ट मिलते रहेंगे। एलेक्सा, गूगल कार प्ले सब इसमें चलता है, वर्क्स विद ओके गूगल। ये इसके होंडा की कनेक्टिंग ऐप है, जिसमें आप इसमें लोकेशन इसके और कंट्रोल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वॉच से भी कनेक्ट हो जाएगी ये। डिज़ाइन इसका बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं डिज़ाइन इसका। टच स्क्रीन का था ये, एंड वायरलेस फ़ोन कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ भी है, ऑडियो ऑक्स केबल सब लग जाएगा इसमें। ये इसका है क्रूज़ कंट्रोल का डिस्प्ले, एंड जो मैंने आपको कोलिजन सिस्टम का बताया आपको, पावर सेफ्टी सपोर्ट, ये जियो मीटर है इनका,
एवरेज का सब कुछ बताएगा आपके डैशबोर्ड पे। ये पावर फ्लो कैसे हो रहा है वो भी बताएगा आपको कि लिथियम आयन बैटरी से पावर कितनी आ रही है, और इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर भी है। सेफ्टी बेल्ट के भी सारे फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं। टायर प्रेशर मॉनिटर जैसे मैंने आपको बताया, एंटी थेफ्ट अलार्म हो गया, और ये रियर सीट बेल्ट जैसे आप पीछे ना करें, और आपका ये ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाएंगे अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हैं। डेम और डार्क दोनों हो जाएगा। ABS भी है इसमें, और AHA भी दिया गया है, एजाइल हैंडलिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट भी दिया गया है इसमें, और सब में हेड गियर है, सीट बेल्ट भी है, विंडो अप एंड डाउन ऑटोमेटिक है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, और ऑटो हेल्प लैम्प जैसे मैंने आपको बताया इसका, और पार्किंग सेंसर्स भी हैं, एंड आपका साइड सेंसर भी है, पार्किंग का कैमरा है मल्टी एंगल से है, हिल असिस्टेंट है, लेन वॉच कैमरा हो गया, एस बॉडी स्ट्रक्चर है, और एयरबैग्स हैं, 6 एयरबैग्स हैं, दो दो आगे हैं, साइड में भी हैं, एंड एक्सेसरीज में साथ में मिलती है आपको, सारी एक्सेसरीज साथ में मिलेंगी। अगर आप बॉडी कवर है, बॉडी साइड मोल्डिंग है, बकेट मैट है, कुशन कंपनी ये साथ में देती है जो बेसिक में आता है। एमरजेंसी हैमर भी दे रही है। यूटिलिटी में आपको क्रोम प्रोटेक्टर दे जाएंगे, डोर डोर के लिए साइड का मिल जाएगा, साइड का मिल जाएगा, क्रोम किट एडमायर आपको मिल जाएगा, टेल लैम्प के लिए, फ्रंट बम्पर साइड गार्निश मिल जाएगा, लाइट भी इसमें साथ में मिलती है आपको जब आप पैर अंदर रखेंगे। और ये देखिए कोलिजन का मैंने जो आपको बताया था, काफ़ी अच्छी कार है, इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। द फेस ऑफ हाइब्रिड सुप्रीमेसी, प्योर हाइब्रिड कार है। तो मैं अगर अगर आप टाटा का टैगोर या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हैं 20 लाख की रेंज में जैसे नेक्सॉन है, तो मैं आपको कहूँगा फुल EV में जाने से अच्छा है कि आप इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार लें। एक तो इसमें आपको चार्जिंग की भी टेंशन नहीं है, आप पेट्रोल पर भी चला सकते हैं और बैटरी पर भी चला सकते हैं, या दोनों पर भी चला सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपने शहर के अंदर चलानी है तो आप इलेक्ट्रिक बैटरी पर चला लीजिए, और आपको अगर हाईवे पे जाना है या कहीं दूर शहर में जाना है तो आप दोनों पे चला लीजिए, या आप एक सिंगल पे भी चला सकते हैं। तो बेस्ट है इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार ही लेना। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी कार बदल के मैं ये वाली ले लूँ। मैंने इलेक्ट्रिक ली हुई है टाइगोर EV, वो फुल इलेक्ट्रिक है, बट मुझे ये अब ये ज़्यादा पसंद आ रही है, एंड स्पेशियस बहुत है इसमें, लग्जरी लुक है, पूरा लग्जरी कार है पूरी ये। और देख सकते हैं इसका इंटीरियर कितना अच्छा है, रियर स्विच स्टिच सॉफ्ट टच डोर लाइनिंग एंड आर्म रेस्ट, आर्म रेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, पियानो ब्लैक कलर है, इसकी कनेक्टिंग एप्स हैं, इसमें आप सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन रिमोट, AC को ऑपरेट कर सकते हैं, इसका डोर्स खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप, और इसकी एप्पल की वॉच के साथ के आप भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंटीरियर देखिए कितना अच्छा है ये, इसका कॉकपिट बहुत अच्छा है ये, स्टेयरिंग पे सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं आपको। ओवरऑल कार बहुत अच्छी है, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय कीजिए, 100 out of 100 नंबर मिलेंगे इसको। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।